please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पहलवान बजरंग पुनिया ने विराट कोहली और वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने पर सवाल उठाए। बजरंग पुनिया का दावा है कि उनके पॉइंट्स विराट कोहली और मीराबाई चानू से ज्यादा थे, लिहाजा उन्होंने खेल रत्न अवार्ड के लिए उनका नाम दरकिनार करने पर नाराजगी जाहिर की। मैं उसके योग्य हूँ, मैं इसलिए उसको डिमांड कर रहा हूँ कि भाई मुझे दिया जाना चाहिए, और नहीं तो कारण बताए कि भाई क्या कारण है आपको इसलिए नहीं दिया जा रहा। बताया गया कि पॉइंट्स टेबल में कोहली के 0 नंबर थे, वहीं वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को 44 पॉइंट मिले थे, जबकि पहलवान बजरंग को परफॉर्मेंस के आधार पर सबसे ज्यादा 80 पॉइंट दिए गए थे। लेकिन दावा है कि चयन समिति ने पहलवान बजरंग के नाम को दरकिनार कर विराट कोहली और मीराबाई चानू को खेल रत्न अवार्ड देने की सिफारिश की। हालांकि बजरंग पुनिया ने दोनों खिलाड़ियों की तारीफ की, लेकिन उन्हें पुरस्कार न देने पर पूरी चयन प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए। अच्छी बात है कि खिलाड़ियों को सम्मान मिल रहा है, मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं कि भाई उनको क्यों दिया जा रहा है, पर मैं अपने बारे में पूछना चाहता हूँ कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इस बीच दिव्यांग एथलीट दीपा मलिक ने इस विवाद पर दुख जताया। कमेटी में बहुत ही बुद्धिजीवी लोग बैठते हैं और वो पूरा उनका डिसीजन होता है जो हमारे लिए सम्माननीय होता है। खेल रत्न अवार्ड पर शुरू हुए विवाद के बीच बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पर खेल मंत्री जी जवाब देंगे, मुझे इस बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं। अपनी मांग को लेकर पहलवान बजरंग पुनिया ने खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से भी मुलाकात की, जहां उन्होंने खेल रत्न दिए जाने की प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिए। क्योंकि क्रिकेट के कोई पॉइंट सिस्टम नहीं है, ऐसे में क्रिकेटरों को सहमति के आधार पर चुना जाता है या उनका चयन किया जाता है, जिससे विवाद होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने चयन समिति के सदस्य के हवाले से लिखा है कि विराट कोहली के प्रदर्शन को कैसे परखा जाए, इस पर चयन समिति में चर्चा हुई थी। खेल रत्न अवार्ड के लिए बने पॉइंट सिस्टम में खिलाड़ी को ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन के आधार पर नंबर मिलते हैं, लेकिन क्रिकेट खिलाड़ियों के मामले में पॉइंट सिस्टम का इस्तेमाल नहीं होता। यही वजह रही कि विराट कोहली के नाम पर 2016 और 17 में भी सहमति नहीं बन पाई थी, लेकिन इस बार जब विराट कोहली का नाम तीसरी बार आया तो चयन समिति के सदस्यों से हाथ उठवाकर उनके बारे में फैसला किया गया। बताया गया कि बैठक में शामिल चयन समिति के 11 में 8 सदस्यों ने विराट कोहली के नाम का समर्थन किया, जिसके बाद उन्हें खेल रत्न देने की सिफारिश कर दी गई। फ्रांस के शासन वाले हिंद महासागर के एक टापू पर कुछ हाइकर्स एक ज्वालामुखी को देखने के लिए हेलमेट में लगी टॉर्च की रोशनी में उसकी तरफ बढ़ने लगे। ये हाइकर्स इस साल में चौथी बार वहां फूटे एक ज्वालामुखी का हाल जानने के लिए पहुंचे थे, जिसके लिए उन्होंने रात का वक्त चुना जब वो टॉर्च की रोशनी में धधकते लावा की ओर बढ़े। ज्वालामुखी के नजदीक पहुंचने के बाद उन्होंने अपने मोबाइल में इस खास पल का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। हर साल इस टापू पर बड़ी तादाद में पर्यटक ज्वालामुखी देखने पहुंचते हैं, हालांकि ये जोखिम भरा है, लेकिन इनके लिए पटाखे की तरह फूटते लावा को देखना रोमांच पैदा करने वाला होता है। इन पर्यटकों को ज्वालामुखी के पास ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो फूटते लावा को नजदीक से देख सके। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में मुहर्रम के दिन भंडारा करने पर अड़े पूर्व मंत्री राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह को प्रशासन ने नजरबंद कर दिया। साथ ही पूरे इलाके में धारा 144 लगाकर उदय प्रताप सिंह के आवास की निगरानी बढ़ा दी गई और चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई। इस बीच राजा भैया के पिता उदय प्रताप उसी हनुमान मंदिर के पास भजन कर रहे अपने समर्थकों के बीच जाकर चुपचाप बैठ गए, जहां पुलिस ने भंडारा करने पर रोक लगाई थी। इधर पुलिस के अधिकारियों ने भंडारे को हर हाल में रोकने के लिए सभी पुलिस कर्मियों को इसके लिए तैयार रहने की हिदायत दी। गैर परंपरागत चीजें कोई भी आप लोगों को करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन के मुताबिक मुहर्रम के दिन मंदिर के रास्ते से जुलूस निकाला जाता है। अगर मंदिर में भंडारा किया गया तो वहां रास्ते में जाम लग जाएगा और दोनों पक्षों की भीड़ को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ओडिशा के मयूरभंज में नेशनल हाईवे पर रात के अंधेरे में कुछ लोग एक अजगर को पकड़ने की कोशिश करने लगे। बताया गया कि कुछ देर बाद वन विभाग ने अजगर को रेस्क्यू किया और अपने साथ ले गए, लेकिन उससे पहले नेशनल हाईवे पर अजगर के दिखाई देते ही वहां लोगों की भीड़ जुट गई और लोग उसे लकड़ी के सहारे पकड़ने की कोशिश में जुट गए। कुछ लोगों ने लकड़ियों की मदद से अजगर का मुंह दबा दिया और एक लड़का हाथ में बड़ा थैला लेकर अजगर को उसके अंदर डालने की कोशिश में जुट गया। इस बीच उसने अजगर की पूंछ पकड़ ली, जिसे अजगर ने काफी आसानी से छुड़ा लिया। तभी लकड़ी की पकड़ से अजगर का मुंह छूट गया और वो तेजी से भागने की कोशिश करने लगा।
जबकि लोग भी उसको दोबारा पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे। इस बीच अजगर सड़क की दूसरी तरफ अंधेरे में चला गया। लोगों का अनुमान था कि अजगर करीब 13 फुट लंबा और करीब 30 किलो वजन का था। दावा किया गया कि कुछ देर बाद वन विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे और अजगर को पकड़कर अपने साथ ले गए। तमिलनाडु के मदुरई में एक बस ने एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। यह हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार से आ रही बाइक एक मोड़ पर अचानक बस के सामने आ गई और जब तक बस ड्राइवर कुछ समझ पाता तब तक बाइक बस के अगले हिस्से से टकरा गई। टक्कर होते ही बाइक पर बैठे तीनों लोग सड़क पर गिरकर घिसटने लगे। सीसीटीवी वीडियो में साफ दिखा कि हादसे से ठीक पहले वहां गाड़ियां आसानी से गुजर रही थी। इसी बीच पीले रंग की एक बस सामने से आती दिखी जबकि बाइक पर सवार 3 लोग मोड़ के दूसरी ओर से तेजी से आए। बाइक को सामने देख बस ड्राइवर ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाई लेकिन तब तक बाइक बस के सामने पहुंच चुकी थी और अगले ही पल हुई जोरदार टक्कर के बाद बाइक पर बैठे तीनों लोग सड़क पर गिरकर घिसटने लगे। साथ ही बस भी उनकी ओर बढ़ने लगी लेकिन सड़क पर गिरे तीनों लोगों के ठीक पास पहुंचकर बस रुक गई। हादसे के तुरंत बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई जिन्होंने सड़क पर गिरे लोगों को उठाकर अस्पताल भिजवाया। बताया गया कि इस हादसे में बाइक सवार तीनों व्यक्तियों को गंभीर चोटें आईं। महाराष्ट्र के वाशिम में सैकड़ों लोगों ने हाथों में पोस्टर लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया। ये लोग शिलोंग में तैनात बीएसएफ जवान सुनील धोपे की मौत की जांच के लिए मांग कर रहे थे जिसके लिए बीएसएफ जवान के परिवार वालों ने इलाके के लोगों के साथ मिलकर एक मार्च निकाला और एक पुतले को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बीएसएफ जवान ने आत्महत्या नहीं की बल्कि साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है। जब तक मुझे निर्णय सच्चा मिलेगा नहीं, जो गुनहगारों को पकड़ा जाएगा नहीं और मेरे भाई को शहीद घोषित किया जाएगा नहीं, जब तक वाशिम जिला में बंद रहूंगा। लेकिन बीएसएफ ने इन दावों को खारिज कर दिया। बताया गया कि बीएसएफ जवान सुनील धोपे शिलोंग में बीएसएफ हेडक्वार्टर में तैनात थे और 14 सितंबर को उनका शव हेडक्वार्टर के पास खून में लथपथ झाड़ियों में पड़ा मिला था जिसके बाद पूरे सम्मान के साथ पार्थिव शरीर को परिवार वालों के पास भेज दिया गया। पार्थिव शरीर के वाशिम पहुंचते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई और सुनील धोपे अमर रहे के नारे गूंजने लगे। हालांकि परिवार वालों की मांग पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया। तंजानिया में युकारा के पास विक्टोरिया झील में एक नाव डूबने के बाद बचाव दल ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के शवों को बाहर निकाला। यात्रियों को ढोने वाली इस नाव पर करीब 400 लोग सवार थे जिनमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जिनके शव बचाव दल ने झील से बाहर निकाले। झील में डूबकर मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल थे। इन लोगों के शव को छोटी छोटी नावों पर रखकर झील से बाहर निकाला गया। लेओ तुमेसitisha safari yake ya kurudi Mwanza, tunaelekeza hiyo huko। झील में नाव डूबने के बाद कई लोग लापता हो गए। आशंका जताई गई कि इस हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 200 से ज्यादा हो सकता है। श्रीनगर से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं रिफत अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद पुलवामा के 8 गांव में सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। इस सर्च ऑपरेशन में सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस शामिल है। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, ताजा अपडेट क्या है अभी की? देखिए सर, यहाँ पे आपको मालूम है कि कल 3 पुलिस वालों की हत्या हुई थी और उसके फौरन बाद रात के दौरान शायद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये प्लान बनाया है कि वो कॉर्डन करेंगे, बड़े पैमाने पे इस एरिया में मिलिटेंट्स की तलाश शुरू करें। तो अभी जो इंफॉर्मेशन है 8 विलेजेस जो हैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के वहाँ पे कॉर्डन किया गया है और कई ऑर्चर्ड्स में जो है सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इसमें आर्मी के 2 यूनिट्स और साथ ही सीआरपीएफ और पुलिस शामिल है और इस वक्त जो है कॉर्डन लगातार जारी है और मिलिटेंट्स की तलाश की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रिफत आपका। दिल्ली में एक ऐसा कैब ड्राइवर है जो अपनी टैक्सी में बैठने वाले लोगों को पानी, जूस, कोल्ड ड्रिंक के साथ चाय और कॉफी भी पिलाते हैं और इन सुविधाओं के बदले वो यात्रियों से पैसे भी नहीं लेते। जिसके लिए गोल्डी सिंह नाम के इस कैब ड्राइवर ने अपनी गाड़ी में एक छोटा चिलर और खाने पीने का सामान रखा हुआ है। आप बैठेंगे तो सबसे पहले पानी देते हैं और बकायदा तौर पर अगर कुछ खाना चाहें तो वो चिप्स देते हैं और एक मेनू जो है वो बकायदा लिखा हुआ है। गोल्डी सिंह अपनी कैब को अपना ऑफिस मानते हैं और उसमें बैठने वाले यात्रियों को एक मेहमान की तरह वो फ्री में खाने पीने की चीजें ऑफर करते हैं। तो मैं अपना कल्चर फॉलो कर रहा हूँ कि कोई हमारे घर पे आया, कोई हमारे ऑफिस में आया तो उसको पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, तो ये सब चीजें भाजी आप फॉलो कर रहे हैं। गोल्डी सिंह की दलील है कि सिख धर्म की दसवंध वाली सीख का पालन करते हुए अपनी कमाई का 10% हिस्सा वो अपने ग्राहकों की सेवा में खर्च करते हैं।
गोल्डी सिंह अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं जिसके 15,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं।